नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मोहित यादव एजुकेशन में। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, यानी जिससे संबंधित जिस चैप्टर से संबंधित सवाल सॉल्व कराने जा रहा हूँ, वो चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर प्योर सब्सटेंसेस। ठीक, तो आज मैं इससे संबंधित सवाल का आपको सॉल्व कराऊँगा। इससे पहले मैंने आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के थर्मोडायनेमिक्स के सवाल करा रहा था। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ के सवाल करा चुका हूँ, जीरोथ लॉ के भी करा चुका हूँ, हीट ट्रांसफर संबंधित सवाल भी करा चुका हूँ। अब मैं आपको करा रहा हूँ प्योर सब्सटेंसेस संबंधित क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आ गया है वो आप देख लीजिए स्क्रीन पर, ये है द गिवन डायग्राम शोज द थ्रोटलिंग प्रोसेस ऑफ प्योर सब्सटेंस। ठीक, द ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा आर रेस्पेक्टिवली। ठीक, तो इन्होंने कहा है कि एक डायग्राम बना है जो थ्रोटलिंग प्रोसेस को दर्शा रहा है। इसमें ऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस और एब्सिसा मतलब वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इस पर क्या है होंगे। ठीक, मतलब इस पे जैसे हम लोग का पी वी डायग्राम, तो यहाँ पी हो या हो वाई पे वी हो, तो इस पर ये क्या दर्शा रहे हैं। तो हम जानते हैं कैसा प्रोसेस है, थ्रोटलिंग प्रोसेस। सबसे पहले थ्रोटलिंग प्रोसेस विशेषता क्या होती है, थ्रोटलिंग प्रोसेस की विशेषता होती है कि उसमें एंथैल्पी कांस्टेंट होती है, मतलब एच वन इक्वल टू क्या होता है, एच टू के होता है। ठीक, मैंने आपको पहले ही बताया था जब किसी माइन्यूट से छिद्र से कोई गैस रिलीज होती है, कोई गैस होकर पास हो रही होती है, तो उसमें उस समय जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है। थ्रोटलिंग प्रोसेस कैसा होता है, वो आइसेंथैल्पिक मतलब जिसकी एंथैल्पी कॉन्स्टेंट हो, ऐसा प्रोसेस होता है। ठीक, तो देखिए इसका मतलब सीधा सीधा, क्योंकि प्रोसेस सीधा सीधा नीचे की ओर दिया हुआ है, मतलब एंथैल्पी कांस्टेंट तक कब होगी, जब वाई एक्सिस पे क्या हो, एंथैल्पी हो, मतलब वाई एक्सिस क्या होना चाहिए, एंथैल्पी होना चाहिए। पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए इन्होंने वाई एक्सिस पे क्या दिया, यहाँ पे वाई एक्सिस के लिए इन्होंने क्या कहा है, वॉल्यूम है। दूसरे वाई एक्सिस के लिए इन्होंने क्या कहा है, एंट्रोपी है। तीसरे के लिए क्या कहा है, इसमें भी एंट्रोपी। चौथे के लिए एंथैल्पी कहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर एंथैल्पी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। मतलब एक्स एक्सिस पे क्या होना चाहिए, प्रेशर, और वाई पे क्या होना चाहिए, एंथैल्पी होना चाहिए। ठीक, तो इससे देखिए इसमें तो दिए हुए ऑप्शन से ही हम लोगों ने आंसर निकाले, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है उसमें प्रेशर क्या है, लगातार कम होता है, और एंथैल्पी क्या है, कांस्टेंट रहती है। साथ में आपको यही पता होना चाहिए कि कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस, ठीक है, और जो क्या होता है, ये कैसा प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है हाईली इरिवर्सिबल है। कैसा है, हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब इसमें रिवर्सिबिलिटी बहुत अधिक होती है। इसमें इसमें जो चेंज ऑफ एंट्रोपी की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। मतलब इसमें चेंज ऑफ एंट्रोपी क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। थ्रोटलिंग प्रोसेस इज वेरी वेरी इरिवर्सिबल प्रोसेस, इसमें जो एंट्रोपी चेंज होगा बहुत अधिक होगा। साथ ये भी ध्यान रखिए कि इसमें जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है। ठीक, और साथ ही इसमें जो हीट सप्लाई होती है वो भी मतलब डेल्टा की, वो भी जीरो होती है। ठीक, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो इससे आपको थ्रोटलिंग प्रोसेस के बारे में और अधिक विस्तार से जानना है, तो आप पिछले कुछ जो क्वेश्चन सीरीज हैं उसमें थ्रोटलिंग प्रोसेस के बारे में अधिक विस्तार से बताया है। तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, मतलब प्रेशर बढ़ने के साथ साथ स्टीम की लेटेंट हीट की क्या होता है। मतलब रिमेंस सेम रहता है, बढ़ जाती है, घट जाती है, बिहेव्स अनप्रेडिक्टली। ठीक, तो देखिए अगर हम टीएस डायग्राम बनाएं, किसी टीएस डायग्राम पर देखें, तो हम देखते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कहते हैं, हम किसी गर्म करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है कांस्टेंट प्रेशर पे, उसके बाद कुछ देर बाद क्या है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या है, कांस्टेंट हो जाते हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि जब भी फेज चेंज होता है तो टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट हो जाता है, और फेज चेंजिंग कंडीशन में प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के फंक्शन होते हैं, मतलब एग्जैक्ट डिपेंड करते हैं। मतलब प्रत्येक प्रेशर के करस्पॉन्डिंग एक टेम्परेचर होता है, मतलब प्रत्येक सेचुरेशन प्रेशर के करस्पॉन्डिंग सेचुरेशन टेम्परेचर होता है। उसके बाद जब स्टीम क्या है, देखिए यहाँ पे जो स्टीम है ये वेट पे क्या है, ये प्योरली अनसेचुरेटेड, मतलब स्टीम मतलब ऐसा समझिए कि यहाँ पे ये प्योर वेट स्टीम होती है। ठीक, वेट स्टीम, वेट मतलब प्योर लिक्विड, एकदम परफेक्ट वेट स्ट्रीम है, यहाँ पे लिक्विड होता है मान लीजिए। ठीक, और फिर जब इसको गर्म किया जाता है तो इसका फेस चेंज होता है। फेस चेंज होने के बाद एक पॉइंट आता है जहाँ पर इसमें जो पूरी की तरह से फेस चेंज होता है, मतलब पूरा लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद फिर इसका प्रेशर बढ़ने लगता है। ठीक, तो ये
जो फेस हमको देखने मिलता है, जिस फेस में क्या है फेस चेंज हो रहा होता है, मतलब जिस स्थान पर फेस चेंज हो रहा था उस समय जो हीट की सप्लाई की जाती है वो होती है लेटेंट हीट। वो कहती है लेटेंट हीट। अब जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, हाई प्रेशर पर जाते हैं, तो इसी लेटेंट हीट की वैल्यू क्या है कम हो जाती है, ठीक। और अधिक हाई मतलब प्रेशर बढ़ाते हैं तो इस लेटेंट हीट की वैल्यू और कम हो जाती है। मतलब सीधे सीधे अगर हम लोग वेपर प्रेशर को भीतर का एक डोम बनाएं तो हमको इस तरह से एक वेपर डोम प्राप्त होता है, ठीक। तो हम इस वेपर डोम के बारे में बता देते हैं। देखिए यहाँ वेपर डोम क्या है, नीचे इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे इस वेपर डोम के अंदर जो लेंथ इसकी प्राप्त होती है वही इसकी लेटेंट हीट होती है। तो नीचे इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे लेटेंट हीट की वैल्यू अधिक होती है। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाने जा रहे हैं तो ऊपर क्या है इसकी हाइट क्या है कम होती जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे लेटेंट हीट की वैल्यू क्या हो जाती है कम हो जाती है। तो जो क्वेश्चन क्या पूछा था कि विथ इंक्रीज इन प्रेशर द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, स्टीम की लेटेंट हीट का क्या हाल होता है, तो स्टीम की लेटेंट हीट क्या है घट जाती है, स्टीम की लेटेंट हीट क्या है घट जाती है, ठीक फ्रेंड्स। तो इसका आंसर सी हो गया। अब देखिए अगर घटती जाती तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ पर लेटेंट हीट की वैल्यू क्या हो जाती है जीरो हो जाती है। तो मतलब जो वेपर डोम का जो टॉप पार्ट होता है यहाँ पे क्या है कि लेटेंट हीट की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो इस जो पॉइंट को कहा जाता है, इस पॉइंट को कहा जाता है क्रिटिकल पॉइंट। इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। क्रिटिकल पॉइंट पर लेटेंट हीट क्या हो जाती है, क्रिटिकल पॉइंट पर ध्यान रखिए कि लेटेंट हीट की वैल्यू क्या हो जाती है जीरो हो जाती है, ठीक। और इस क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू क्या होती है ये भी ध्यान रख लीजिए। ये जो क्रिटिकल पॉइंट होती है इसकी वैल्यू होती है, इसका जो प्रेशर होता है वो होता है 22.221.2, मतलब 221.2 bar होता है। और इसका जो प्रेशर, ये तो प्रेशर हो गया, इसका जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर था 373.94 होता है, 373.94 इसका टेम्परेचर। मतलब जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो कितना होता है 221.2 bar, और जो टेम्परेचर होता है 273.94 होता है, ठीक। और ये जो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं यहाँ पर देखिए, इस देखिए वेपर डोम के अगर हम इस तरफ देखें, बाएं साइड देखें, तो यहाँ भी जो होगा वो लिक्विड अवस्था में होगा, को जो पदार्थ होगा किस अवस्था में होगा, लिक्विड अवस्था में होगा। और वेपर डोम की इस लाइन के इस तरफ देखें, ठीक, तो इसको कहें यहाँ पर जो होगा वो गैसियस अवस्था में होगा, ठीक। तो देखिए इसमें जो हमको यहाँ पर लाइन प्राप्त हो रही है, ये जो लाइन है इस लाइन को कहते हैं ये गैस है, मतलब यहाँ पे इसके परफेक्ट गैस, मतलब यहाँ पे इस लाइन पे जो भी स्टीम होगी क्या होगी, परफेक्ट ड्राई स्टीम होगी। कैसी स्टीम होगी, ड्राई स्टीम होगी। और इसके इस लाइन पे जो होगा जो भी लिक्विड होगा परफेक्ट प्योर लिक्विड होगा, क्या होगा लिक्विड होगा, मतलब उसमें वेपर की वैल्यू क्या हो जाएगी एकदम जीरो हो जाएगी। तो इस जो क्रिटिकल पॉइंट होता है इस पर क्या होता है, लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहते हैं, ठीक फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ओके। तो इसका आंसर मैंने बता ही दिया कि जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो लेटेंट हीट ऑफ स्टीम क्या हो जाएगी, वो घट जाएगी, सी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सैचुरेटेड लिक्विड एट हाई प्रेशर P1, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक हाई प्रेशर P1 है, उस पर जो सैचुरेटेड लिक्विड की वैल्यू कितना है 1000 kJ/kg है। इसको थ्रोटल किया जाता है टू द प्रेशर P2 तक प्रेशर तक थ्रोटल किया जाता है। एट प्रेशर P2 द एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड एंड दैट ऑफ सैचुरेटेड वेपर, सैचुरेटेड लिक्विड की एंथैल्पी 800 और सैचुरेटेड वेपर की एंथैल्पी क्या है 2800 दी हुई है, ठीक। द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ द वेपर, उन्होंने ड्राइनेस फ्रैक्शन पूछा है। देखिए इसमें कई चीज़ें हैं, सबके बारे में आपको विस्तार से बताता जाता हूँ। तो पहले देखिए ड्राइनेस फ्रैक्शन होता क्या है, ड्राइनेस फ्रैक्शन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है कि मास ऑफ स्टीम डिवाइडेड बाय मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ स्टीम, मतलब देखिए होता क्या है,
जब हम किसी लिक्विड को गर्म करते हैं ठीक, तो उसका जो फेज चेंज की कंडीशन आती है, तो यहाँ से चेंज करके फेज चेंज मतलब वेपर डोम के भीतर आता है, तो उस वक्त यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे उसमें कुछ मात्रा में लिक्विड भी होता है, कुछ मात्रा में स्टीम भी होती है ठीक। तो इसमें से कितनी मात्रा में स्टीम है ये पता करने के लिए जो डिफाइन करता है वो ड्राइनेस फैक्टर, मतलब स्टीम कितनी ड्राई है ये दर्शाने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है, उसको एक्स से दर्शाते हैं ड्राइनेस फैक्टर। तो ड्राइनेस फैक्टर मतलब होता है मास ऑफ स्टीम डिवाइडेड बाय मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ स्टीम, मतलब टोटल इसमें लिक्विड कितना है और स्टीम कितनी है, दोनों का जोड़ डिवाइडेड इनटू इसको कैसे डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे मास ऑफ स्टीम से डिवाइड कर देंगे, तो इससे हमको ड्राइनेस फ्रैक्शन प्राप्त हो जाता है। अब देखें, हमको अगर इसके अंदर किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्ञात करनी हो, मान लीजिए हमारे पास एक वेपर डोम है, ये वेपर डोम में किसी टी एस डाइग्राम है ठीक, तो इस ये जो है ये लिक्विड लाइन है, तो यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हमने मान लिया, हमने एच जी या कुछ लोग एच एल से भी दर्शाते हैं ठीक। तो मान लीजिए यहाँ पे जो हम लिक्विड है या आपके एंथैल्पी इस लाइन पे एच जी से द्वारा दर्शाए या एंट्रोपी को एच जी के द्वारा दर्शाए, सॉरी एच एल के द्वारा, इसलिए क्या है लिक्विड लाइन है ना, तो लिक्विड लाइन पे क्या है एंथैल्पी को एच एल के द्वारा दर्शाए, एंट्रोपी के एस एल के द्वारा दर्शाए, मतलब मतलब एल जो है एल हमने एक सब्स्टिट्यूट उसमें लगा दिया है ठीक। तो उससे पता चलिए लिक्विड लाइन का है, और यदि इस गैस लाइन के बारे में आता है या फिर तो इसको हम लोग एच जी से बाहर नहीं दर्शा रहे हैं, एच जी से और एंट्रोपी को एस जी से दर्शा रहे हैं ठीक। तो इन दोनों के मध्य अगर हमको किसी पॉइंट पर एंट्रोपी प्राप्त करनी हो ठीक, तो वो एंट्रोपी कैसे प्राप्त करेंगे, तो मान लीजिए इस एंट्रोपी एंथैल्पी इस पॉइंट पर हमको एंथैल्पी प्राप्त करनी है, तो इस पॉइंट पर एंथैल्पी प्राप्त करने का फार्मूला होगा ठीक। देखिए सीधे सीधे ध्यान रखिए कि इन दोनों पॉइंट के बीच जो एंथैल्पी होती है लीनियरली बढ़ती है, एंथैल्पी एंट्रोपी स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो एंथैल्पी का फार्मूला होगा एच एल जो यहाँ पे है ठीक प्लस ड्राइनेस फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू इन दोनों के मध्य का जो अंतर है, इसी को कहा जाता है एच एल जी या एच एफ जी भी लोग कहते हैं ठीक, एच एल जी या एच एफ जी कहा जाता है, एच एल जी मतलब दोनों का अंतर, या इसी को कह सकते हैं एच इक्वल टू हो जाएगा एच एल प्लस एक्स इंटू एच जी माइनस एच एल कह सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी पॉइंट पे इसकी एंथैल्पी निकाल सकते हैं ठीक। तो अगर आपको एंथैल्पी निकालनी है किसी पॉइंट पे, तो सीधा सीधा हम लोग का फार्मूला बन जाता है किसी वेपर डोम के अंदर, देखिए ये सिर्फ इस प्रॉपर्टी के लिए बता रहा हूँ लेकिन सारी प्रॉपर्टीज़ के लिए काम आती है ठीक। जैसे अगर वेपर डोम में किसी स्थान का हमको एंट्रोपी निकालनी है, एंट्रोपी किसी पॉइंट पर निकालनी, तो वो हो जाएगा लिक्विड की एंट्रोपी प्लस ठीक ड्राइनेस फ्रैक्शन इंटू गैस की गैस मतलब ड्राई सेचूरेटेड लिक्विड एक्स जी माइनस एस एल ठीक, इससे निकाल सकते हैं। अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम का फार्मूला चाहिए तो वो भी यही हो जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड प्लस एंट्रोपी सॉरी ड्राइनेस फ्रैक्शन एक्स इनटू ठीक गैसियस पार्ट का स्पेसिफिक वॉल्यूम माइनस लिक्विड पार्ट का स्पेसिफिक वॉल्यूम ठीक। अगर एंथैल्पी के फॉर्म में चाहिए तो एच इक्वल टू हो जाएगा ठीक एच एल प्लस ड्राइनेस फ्रैक्शन इंटू एच एफ माइनस एच एल, ऐसे मतलब देखिए सभी के लिए फार्मूला क्या है हमने सेम है। अगर वेपर डोम के अंदर किसी पॉइंट पे हमको एंथैल्पी एंट्रोपी या स्पेसिफिक वॉल्यूम या कोई प्रॉपर्टी हमको कैलकुलेट करनी, तो इस प्रकार से हम लोग इनको कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक। अगर ठीक तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं, ले लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि कोई प्रोसेस है जिसमें पहले जो लिक्विड की एंथैल्पी कितनी थी, ये मतलब जो एच वन स्टार्टिंग प्रोसेस में जो एंथैल्पी थी वो एच वन थी 1000 किलो जूल। फिर इसको क्या है हमने कर दिया गया, इसको थ्रोटल कर दिया गया, और थ्रोटल करने के बाद जो प्रेशर पी टू प्राप्त हुआ वहाँ पे सैचुरेटेड वेपर
सैचुरेटेड वेपर और सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर की जो एंथैल्पियां हैं वो क्या है। तो ये जो हमें दिया है ये HCl की वैल्यू दी है और ये क्या दिया है हमको HG की वैल्यू दिया है। तो उन्होंने पूछा ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या है, तो हम जानते हैं कोई जब थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है जो शुरू में एंथैल्पी होती है भाई बाद में भी एंथैल्पी होती है, ठीक। तो ये हो जाएगा H1=H2 और बाद में कि एंथैल्पी कैसे निकालेंगे, ये जो हमको दिया है लिक्विड का ये दिया हुआ हमको गैस की एंथैल्पी और लिक्विड की एंथैल्पी, तो इसी फार्मूले को इसमें लिखेंगे। तो क्या फार्मूला हम जानते हैं कैसे निकालते हैं एंथैल्पी किसी वेपर डोम में, हम जानते हैं लिक्विड किया एंथैल्पी प्लस ड्राइनेस फ्रैक्शन इनटू गैस की एंथैल्पी माइनस लिक्विड की एंथैल्पी, ठीक। इसको इसमें रख दीजिए, तो पहले एंथैल्पी कितनी है 1000 है ना, इसको इक्वल टू रख दीजिए। HCl लिक्विड कितना है 800 प्लस ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना है हमको निकालना है, ठीक। फिर HG कितना है 2800 है, माइनस H1 कितना है 800 दिया है, इसको सॉल्व कर दिए तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, X की वैल्यू देखिए 1000 में से 200 भागे हम लोग को 2000 करना है तो कितना आ जाएगा आंसर 0.1 आ जाएगा, X की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आएगा A 0.1, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन है ये प्योर सब्सटेंस व्हाट आर द नंबर ऑफ थर्मोडायनेमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सैचुरेटेड वेपर एंड सैचुरेटेड एंड सुपर हीटेड वेपर रेस्पेक्टिवली, ठीक। तो देखिए किसी भी पॉइंट किसी भी मतलब वेपर या किसी भी गैस की या किसी भी लिक्विड वेपर मिक्सचर की जो मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो हमेशा 2 होती है, कितनी होती है 2 होती है, ठीक। मतलब अगर हम उसकी द्रव प्रॉपर्टी जानते हो तो हम उसको क्या किसी भी PV डायग्राम पे किसी भी प्लॉट पर हम आसानी से उसको प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहाँ पे हमको ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये दोनों प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट, कैसी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर दो ये प्रॉपर्टीज पर निर्भर कर रही तो वॉल्यूम और स्पेसिफिक वॉल्यूम ये दोनों क्या एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है, ये दोनों प्रॉपर्टी ज्ञात होने पर हम उसको लोकेट नहीं कर पाएंगे, वो दोनों प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए एक दूसरे से स्वतंत्र होनी चाहिए, ठीक। अब देखिए ये हमने 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे बताया, ठीक। अभी हमने गिब्स फेज रूल आपको बताया था शुरुआत में, शुरुआत क्या बताया था P+F=C+2 बताया था ना, गिव्स फेज रूट प्लेटफॉर्म नंबर C2 से याद रख सकते हैं P+F=C+2। P क्या होता है नंबर ऑफ फेज या वो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, C होता है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स और 2 क्या होता है प्लस 2 कर देते हैं, ठीक। देखिए नंबर ऑफ फेसेस मतलब कितना लिक्विड गैस किस किस फेज में है, ठीक ओके। और फिर डिग्री ऑफ सी नंबर ऑफ कंपोनेंट मतलब कौन से कौन कौन से कंपोनेंट है, कंपोनेंट से तात्पर्य क्या होता है कि उसमें कि उसमें किस तरह से मतलब है जो पदार्थ है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं, मतलब एक कंपोनेंट मतलब उसका केमिकल कंपोजिशन सेम होना चाहिए, ठीक। तो देखिए जब यहाँ पे हमको जो फेस मिल रहा होता है वो क्या होता है एक परफेक्ट पूरी तरह से होता है कि इसमें जो होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है, तो उसमें क्या है लिक्विड और गैस दोनों एक दूसरे इस तरह से मिक्स होती है कि हम लोग उसको डिसाइड नहीं कर सकते कहाँ लिक्विड है कहाँ गैस है। जैसे अगर किसी पानी में बर्फ़ डाल दे तो उसमें बर्फ क्या है अलग दिख रही होती है, पानी अलग दिख रहा, तो वहाँ से दोनों फेस पृथक पृथक दिख रहे होते हैं, जबकि यहाँ पर फेस पृथक पृथक नहीं दिख रहे होते हैं। इसलिए ऐसी जगह पर हम लोग क्या है फेस की वैल्यू क्या ले लेंगे, 1 है क्योंकि एक ही फेस दिखाई देता है और डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू सी मतलब हमका नंबर ऑफ कंपोनेंट तो एक ही कंपोनेंट है वाटर, तो यहाँ 1 हो जाएगा प्लस 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक। तो देखिए तो मतलब कोई भी वेपर है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, ठीक। अब देखिए यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी,
2 होगी। जब 2 होगी तो अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। उन्होंने कहा सैचुरेटेड वेपर, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा सैचुरेटेड वेपर, तो सैचुरेटेड वेपर के लिए एक्स क्या है हमने फिक्स कर दिया, ये मतलब सैचुरेटेड वेपर का ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है याद रख लीजिए, जो सैचुरेटेड वेपर होता है उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 होता है और जो सैचुरेटेड लिक्विड होता है उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन 0 होता है। ठीक, तो सैचुरेटेड वेपर के लिए हमने ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 फिक्स कर दिया, क्योंकि अब इसके 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं वेपर के, लेकिन 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने पहले से ही फिक्स कर दिया, तो उसकी कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम बचे, इसका सिर्फ 1 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम बचा है ना, तो सैचुरेटेड वेपर का कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, सिर्फ 1 होगा। और सुपर हीटेड वेपर के 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ही होंगे, क्योंकि इसमें हमने किसी भी कंपोनेंट को फिक्स नहीं किया है, किसी भी पार्ट को इसको हमने फिक्स नहीं किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा रेस्पेक्टिवली पूछा तो 1 और 2 आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 कहाँ दिया है 1 और 2 डी, उनका आंसर हो जाएगा डी। ठीक, तो इस तरह से हम लोग इसको सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए, जो सैचुरेटेड ठीक जैसे ये होता है तो वेपर डोम है, ठीक, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन यहाँ पे क्योंकि स्टीम पूरी तरह ड्राई है, इसलिए यहाँ इस लाइन का जो ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है वो 1 होता है, और इस ये जो लाइन है ये लिक्विड लाइन है, ठीक, यहाँ पे क्या है स्टीम अभी बनना शुरू हुई है, तो यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह से हम इन सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस स्पेसिफिक वॉल्यूम पूछा है इसका, तो देखिए क्या होगा स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा, तो देखिए हम जानते हैं वाटर की क्या होता है अलग तरीके कंडीशन बनती है। देखिए जब हम वाटर को गर्म करते हैं हीट करते हैं, तो पहला उसका वॉल्यूम क्या है, पहले उसका वॉल्यूम घटता है, कब से 0 से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस तक उसका वॉल्यूम घटता है। ठीक, फिर उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस के बाद उसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू होता है। ठीक, तो हम लोग के तो जिस रेशियो में वॉल्यूम बढ़ता है उसी रेशियो में वॉल्यूम घटता भी है। ठीक, तो इन्होंने क्या पूछा है द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस, तो पहले इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम घटेगा, फिर उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है बढ़ जाएगा, तो फर्स्ट डिक्रीसेस एंड देन इंक्रीसेस, इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट डिक्रीसेस देन इंक्रीसेस। ठीक, जो पानी होता है उसका उसमें क्या होता है, उसमें जब हम ठंडा करते हैं तो 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होता है, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस तक उसका ठंडा होता है, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस तक वो सिकुड़ता है, मतलब उसका वॉल्यूम कम होता है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद फिर में उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगती है, जिसके कारण वो फिर से प्रसार उसमें होने लगता है, तो पानी क्या है फिर फैलने लगता है। ठीक, तो इसमें क्या है जैसे हम ठंडा करते हैं तो इसकी डेंसिटी मैक्सिमम डेंसिटी कब होती है, पानी की मैक्सिमम डेंसिटी कब होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पानी जो का घनत्व तो सर्वाधिक होता है। ठीक, तो लेकिन जैसे हम इसे यदि ठंडा करेंगे तो क्या है फिर उसका डेंसिटी कम होने लगेगी, इसीलिए जो बर्फ होती है वो पानी पर तैरती रहती है। ठीक, तो इसमें क्या होता है जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती है स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है 1/ डेंसिटी, मतलब डेंसिटी जो होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम का 1/ρ, मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू 1/ρ। ठीक, तो जैसे डेंसिटी क्या है जैसे हम गर्म कर रहे हैं तो गर्म करने पर डेंसिटी क्या है, पहले डेंसिटी उसकी बढ़ती है तो मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम घटता है, फिर उसकी डेंसिटी बढ़ती है, अब उसकी डेंसिटी घटने लगती है तो वॉल्यूम बढ़ने लगता है। ठीक, इस तरह से इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया फर्स्ट डिक्रीसेस देन इंक्रीसेस। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वेपर, प्रेशर, टेम्परेचर, ड्राइनेस फ्रैक्शन एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम, विच ऑफ दीज प्रॉपर्टीज अलोन आर नॉट सफिशियंट टू स्पेसिफाई द कंडीशन ऑफ द वेपर। इसमें क्या है इन्होंने कि ये 4 प्रॉपर्टीज, इसमें क्या कौन सी चीज़ जो अकेली है जो वेपर की कंडीशन को बताने में सक्षम नहीं अकेले। ठीक, तो कंडीशन ऑफ वेपर सबसे पहले आप जान लीजिए, कंडीशन ऑफ वेपर मतलब उसका सीधे ड्राइनेस फ्रैक्शन, मतलब क्वालिटी ऑफ स्टीम को ही हम लोग क्या कहते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन कहते हैं, या क्वालिटी ऑफ स्टीम को ही हम कंडीशन ऑफ वेपर कहते हैं, और ड्राइनेस फ्रैक्शन वही चीज़ होती है, तो जब भी क्वालिटी ऑफ स्टीम कहा जाए तो उसको मतलब ड्राइनेस फ्रैक्शन ही है। ठीक,
अब देखिए उन्होंने पूछा है, अब देखिए क्वालिटी ऑफ वेपर कहाँ होगी, क्वालिटी ऑफ वेपर होगी सिर्फ वेपर ड्यूम के अंदर हम लोग को पता चलेगा, ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू इसी के अंदर होती है क्योंकि इस पॉइंट पे तो जीरो हो जाती है, इस पॉइंट वन हो जाती है, ठीक। ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू हमें जीरो से एक के बीच ही होती है, इसके ऊपर स्टीम सुपर हीट हो जाती है ड्राइनेस फ्रैक्शन का उतना महत्व तो नहीं रह जाता है, ठीक, क्योंकि इसके ऊपर ड्राइनेस फ्रैक्शन को डिफाइन ही नहीं किया गया, उसको हमेशा इसके वेपर डोम के भीतर ही डिफाइन किया गया है। तो देखिए वेपर डोम के अंदर क्या होता है, प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के फंक्शन हो जाते हैं, मतलब ये एक दूसरे फुली डिपेंड करने लगते हैं। मतलब अगर वेपर डोम के अंदर अगर आपको बता दिया जाए कि वहाँ प्रेशर कितना है तो आप तुरंत बता सकते हैं उसका टेम्परेचर कितना है, मतलब सीधे सीधे हम बताएं तो ये सब समझिए कि प्रत्येक प्रेशर के करस्पॉन्डिंग, प्रत्येक सेचुरेशन प्रेशर के करस्पॉन्डिंग सेचुरेशन फिक्स्ड टेम्परेचर होता है और प्रत्येक फिक्स्ड सेचुरेशन टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग फिक्स्ड प्रेशर होता है, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे फंक्शन हो जाते हैं। यदि सिर्फ प्रेशर की बात करें तो हमको एक लाइन प्राप्त होगी, अगर हम कांस्टेंट प्रेशर लाइन वेपर डोम के अंदर खींचे तो एक पूरी लाइन प्राप्त होगी, ठीक। तो ये आपको क्या है इसमें पता नहीं चलेगा कि स्टीम की क्वालिटी क्या है, जीरो से है लेके वन तक में कुछ भी हो सकती है, तो ये अलोन आपको डिसाइड नहीं कर सकता, अकेला पूछा है तो अकेले प्रेशर से आप नहीं बता सकते। दूसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर भी और प्रेशर एक ही तरह व्यवहार करते हैं तो वो भी एक सीधी लाइन नहीं, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर लाइन, तो इसमें भी हम लोग क्वालिटी ऑफ स्टीम नहीं बता सकते, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ड्राइनेस फ्रैक्शन देखिए, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन जो होगा वो आपको बता देगा, जैसे ये ड्राइनेस फ्रैक्शन की लाइंस होती है, वन लाइन की लाइन है, टू लाइन की, तो इसके द्वारा जहाँ पे होगा उससे हमको तुरंत इसकी क्वालिटी ऑफ स्टीम पता चल जाएगी। तो हाँ ये ड्राइनेस फ्रैक्शन वेपरी कंडीशन को बताता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक, देखिए किसी पॉइंट का अगर हमको स्पेसिफिक वॉल्यूम पता है वी, तो हम जानते हैं कि स्पेसिफिक वॉल्यूम किसी पॉइंट पे तो हम जानते हैं वो क्या हो जाता है, वो लिक्विड की स्पेसिफिक वॉल्यूम प्लस ड्राइनेस फ्रैक्शन इनटू लिक्विड इसमें गैस का स्पेसिफिक वॉल्यूम माइनस लिक्विड का स्पेसिफिक वॉल्यूम इस फॉर्मूले से। तो देखिए जो लिक्विड का स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो फिक्स ही होगा, इस लाइन से पता कर लेंगे, और जो गैस का है वो इस लाइन से गैस लाइन से पता कर लेंगे, और जो लिक्विड का होगा फिर तो वो यहीं पता है। तो इसमें सिर्फ क्या अननो, अगर हमको स्पेसिफिक वॉल्यूम पता है तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी ना, तो मतलब सिर्फ अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम भी पता है तो हम गैस की वेपर कंडीशन बता सकते हैं। तो इन्होंने पूछा है ऊपर दी हुई चार प्रॉपर्टीज कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अकेले बता सकती हैं कि वेपर की कंडीशन क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, 3 और 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए जो मैं बता रहा हूँ ये पावर पॉइंट मतलब पावर प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस चैप्टर से क्वेश्चन आने आते ही हैं। इससे अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते हैं तो पावर प्लांट के बारे में पूछेगा तो आपसे इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एयर गैसियस कंबंसन प्रोडक्ट्स एंड स्टीम, इसमें बताना इसमें प्योर सब्सटेंस कौन है, अस्यूमिंग देयर इज नो फेज चेंज, अगर फेज चेंज नहीं हो रहा है तो इसमें प्योर सब्सटेंस कौन है। देखिए प्योर सब्सटेंस मतलब क्या होता है, प्योर सब्सटेंस मतलब जिसका केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट सेम हो, ठीक, और जो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं उसको भी हम लोग प्योर सब्सटेंस मान लेते हैं। तो एयर जो होता है अगर फेज चेंज नहीं हो रहा है तो एयर भी ऐसा प्योर सब्सटेंस ही व्यवहार करती है, ठीक, तो क्यों, क्योंकि ये होमोजीनियस मिक्सचर होती है। इसी प्रकार गैसियस कंबसन प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो भी एकदम होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, इसीलिए प्योर सब्सटेंस की तरह व्यवहार करते हैं, और स्टीम जो है वो भी प्योर सब्सटेंस की तरह व्यवहार करती है, इसीलिए क्यों, क्योंकि सभी होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, तो जब होमोजीनियस मिक्सचर होता है तो प्योर सब्सटेंस की तरह व्यवहार करते हैं, तो इसीलिए इसकी क्या है, इसका आंसर हो जाएगा डी, ये तीनों ही प्योर सब्सटेंस की तरह व्यवहार करते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, ये इसमें आया था DRDO में आया था, DRDO में क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, ठीक, इसीलिए मैं आपको बता दिया इस क्वेश्चन का, ठीक। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। स्टेट ऑफ ए वेट वेपर कैन नॉट बी स्पेसिफाइड ओनली बाय, किसी के उन्होंने क्या कहा है, स्टेट ऑफ वेट वेपर, वेट वेपर की कंडीशन को किसके द्वारा नहीं दर्शाया जा सकता, तभी मैंने आपको बताया कि प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर क्या है,
वेपर का मतलब, वेपर मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें स्टीम और लिक्विड दोनों आपस में मिक्सड होते हैं, ऐसी कंडीशन में प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, दोनों एक दूसरे के फंक्शन हो जाते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को के लिए फिक्स हो जाते हैं। तो हम क्या है, सिर्फ प्रेशर और टेम्परेचर अगर दोनों भी ज्ञात हो वो डोम के अंदर, तो सिर्फ दोनों के द्वारा हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि इस कंडीशन में हमको जो प्राप्त होती है वो एक लाइन प्राप्त होती है। तो ये क्या है, इसका आंसर एक हो जाएगा, प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक, क्योंकि यही क्या है, नहीं बता पाते हैं कि स्टीम वेपर की कंडीशन क्या है। अगला देखिए ऑप्शन ले लेते, प्रेशर एंड ड्राइनेस फ्रैक्शन। देखिए प्रेशर की लाइन खींच दी हमने वेपर डोम के अंदर, ड्राइनेस फ्रैक्शन की लाइन खींच दी, दोनों क्या यहाँ कट कर जा रहे हैं, तो यहाँ से हमको वेपर कंडीशन पता चल जा रही है ना। तो इन्होंने पूछा कैन नॉट बी डिफाइंड, मतलब ये तो डिफाइन कर रहा है तो इसका आंसर नहीं हो सकता। फिर उन्होंने पूछा है टेम्परेचर एंड ड्राइनेस फ्रैक्शन, तो टेम्परेचर के लिए भी क्या एक सीधी लाइन प्राप्त होगी, ड्राइनेस फ्रैक्शन की लाइन है, दोनों एक दूसरे कट कर देंगे, तो ये दोनों इससे भी कंडीशन हमको प्राप्त चल गई, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक, देखिए प्रेशर की लाइन है, वॉल्यूम की लाइन, अगर हम पी वी डायग्राम पे इसको बना रहे होते हैं तो इसे कॉन्स्टेंट वॉल्यूम्स लाइन भी प्राप्त होती हैं इस प्रकार से, ठीक, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम लाइन, ठीक। तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम लाइन क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो बढ़ती जाती हैं, तो दोनों जहाँ पर जाके करके कट करेंगी तो वहाँ जो हमको मिलेगा वो क्या हो जाएगी, उस प्रेशर की कंडीशन हो जाएगी, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या हो, इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन है नो सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन लिक्विड फेस इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर बिलो द ट्रिपल पॉइंट, एट प्रेशर बिलो द ट्रिपल पॉइंट, एट प्रेशर अबव द ट्रिपल पॉइंट, एट टेम्परेचर अबव द ट्रिपल पॉइंट, ठीक। देखिए सबसे पहले ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, मैं आपको ये बता देता हूँ। ट्रिपल पॉइंट, अभी जैसे मैंने आपको बताया क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाते हैं, मतलब उस पॉइंट में लिक्विड भी होगा गैस भी होगा। तो ट्रिपल पॉइंट होता है इस पॉइंट पर सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड लिक्विड एंड गैस तीनों क्या है इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाते हैं। तो ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट इज द पॉइंट वेयर सॉलिड लिक्विड गैस ऑल आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक। यदि हम इसको एक पीटी डायग्राम पे बनाकर आपको दिखाएं, पीटी डायग्राम पे चलिए इसी बता देते हैं, अगर हम पीटी डायग्राम देखिए मैं बनाता हूँ, पीटी डायग्राम इसमें देखिए कर्व बनता है इस प्रकार से, ठीक। तो इसमें ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसी को कहा जाता है ट्रिपल पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट है, ये पॉइंट है ट्रिपल पॉइंट, ठीक। और ये जो कर्व है, ये कर्व है, इसको कहते हैं सब्लिमेशन कर्व, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन मतलब ऊर्ध्वपातन जिसे हिंदी में कहा जाता है, सब्लिमेशन कर्व, ठीक, सब्लिमेशन कर्व कहा जाता है, ठीक। तो ये सब्लिमेशन कर्व क्या है, मतलब सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो सॉलिड से लिक्विड में ना कन्वर्ट होकर के सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कपूर है, तो कपूर क्या है, अगर हीट करेंगे तो सीधे लिक्विड में ना कन्वर्ट होकर के सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। जैसे नौसादर है, तो ये जो प्रोसेस कहलाती है, क्या कहलाती है, ये प्रोसेस सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहलाती है, ठीक। तो ये जो लाइन है ये सब्लिमेशन लाइन है, और ये जो लाइन है ये वेपोराइजेशन लाइन है। वेपोराइजेशन क्या होता है, वेपोराइजेशन मतलब जब कोई पदार्थ लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वेपोराइजेशन कहते हैं, ठीक। तो ये देखो दोनों लाइनें कहाँ के मिल जाती है, ये दोनों लाइनें यहाँ कर मिल जाती है, इसी पॉइंट कहा जाता है ट्रिपल पॉइंट। क्या कहा जाता है, ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर ठोस, द्रव और गैस तीनों ही इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाते हैं। तो अगर इस लाइन के इस तरफ कोई पदार्थ होगा तो सॉलिड कंडीशन में होगा, ठीक। और इन दोनों लाइन के बीच में कोई पदार्थ अगर होगा तो लिक्विड कंडीशन में होगा, किस में होगा, लिक्विड कंडीशन में होगा। और अगर इस दोनों लाइनों के इस तरफ होगा तो गैस कंडीशन होगा, किस कंडीशन में होगा, गैस कंडीशन में होगा, ठीक। तो अगर कोई पदार्थ इस अवस्था में है कि वो सब्लिमेशन लाइन को पार कर रहा है तो क्या होता है, यहाँ सॉलिड में है और इस तरफ आकर गैस में कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, वो पदार्थ का सब्लिमेशन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें अगर कोई पदार्थ क्या है इस प्रेशर पे है, मतलब इस ट्रिपल पॉइंट से हाई प्रेशर पे है, तो उसको गर्म करेंगे क्या, तो सॉलिड से लिक्विड बनेगा, फिर लिक्विड से गैस रीजन हो जाएगा, तो उसके कंडीशन होगी। लेकिन अगर उसका प्रेशर ट्रिपल पॉइंट से कम है, तब हम उसको करेंगे तो गर्म करेंगे तो सॉलिड से सीधे किस में बदल जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो यदि कोई पदार्थ सॉलिड जिसका प्रेशर ट्रिपल पॉइंट के प्रेशर से कम है, तो वो उसको अगर गर्म किया जाए तो सॉलिड से सीधे किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ठीक, एट प्रेशर बिलो द ट्रिपल पॉइंट प्रेशर, एट प्रेशर बिलो द ट्रिपल पॉइंट प्रेशर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एट प्रेशर बिलो द ट्रिपल पॉइंट प्रेशर। मतलब कोई पदार्थ अब क्या है कि अगर ट्रिपल पॉइंट के प्रेशर से कम प्रेशर पे होगा तो वो लिक्विड में नहीं रह सकता, क्यों, क्योंकि नहीं होगा, क्योंकि उसको लिक्विड बनेगा ही नहीं, वो सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, कि सॉलिड से सीधे गैस, तो लिक्विड अवस्था आएगी ही नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एट प्रेशर बिलो द सब्सटेंस बिलो द बिलो द प्रेशर बिलो द ट्रिपल पॉइंट प्रेशर, अगर किसी पदार्थ का जो प्रेशर है वो ट्रिपल पॉइंट प्रेशर से कम है, तो वो क्या होगा, सीधे सॉलिड से लिक्विड, सीधे सॉलिड से गैस में बदल जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ पावर डेवलप इन अ सर्टेन स्टीम पावर प्लांट 1200 किलो वाट, ओके, एक जो पावर है स्टीम पावर प्लांट है वो 1200 किलो वाट है, ठीक, पावर जनरेट करता है, हीट सप्लाइड 3360 किलो जूल पर केजी, देखिए इसका मात्रक देख लीजिए किलो जूल पर केजी है, हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम टू कूलिंग वाटर इज 2520 किलो जूल, ठीक है, इसमें तो तब ये क्या है, ये हीट गिवन है, तो हीट सप्लाइड है, हीट एडेड, और ये क्या है, हीट रिजेक्टेड, और ये क्या है, वर्क डन W, ठीक, द फीड वाटर पंप रिक्वायर्ड टू कंडेंसेट बैक इनटू द बॉयलर 6 किलो वाट, ये क्या है, देखिए ये W वर्क डन है और ये वर्क सप्लाइड है, ठीक, ओके, देन द मास फ्लो रेट ऑफ द साइकिल विल बी, मास फ्लो रेट उन्होंने पूछा है, ओके तो देखिए क्या होगा, सीधा सीधे देखिए, पहले हम लोग नेट वर्क डन निकाल लेते हैं, नेट वर्क डन, नेटवर्क डन के देखिए ये सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मैं जब फर्स्ट लॉ से संबंधित सवाल करा रहा था तब आपको मैंने वहां बताया था, यदि सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाए तो पॉजिटिव होता है और सिस्टम पर कार्य किया जाए तो नेगेटिव हो जाएगा। तो नेटवर्क कितना हो जाएगा, नेटवर्क हो जाएगा 1200 - 6 मतलब कितना हो जाएगा, 1194 हो जाएगा नेटवर्क आपका, ठीक, ओके, और फिर उन्होंने नेट हीट निकाल लेते हैं, नेट हीट पर के, ठीक, ये होनी चाहिए, देखिए क्योंकि पर केजी में दिया है तो अगर हम मास का इनटू मल्टीप्लाई करें तभी क्या है ये किलो जूल हीट कन्वर्ट हो जाएगी, नहीं तो मास फ्लो रेट इनटू 3360, देखिए हीट क्या है इन्होंने अब्जॉर्व किया है, ठीक, मतलब सिस्टम को ये हीट दी गई है, और हीट रिजेक्टेड क्यू आर कितना, हीट में इतनी हीट निकल रही है, तो दोनों को घटा देंगे एक दूसरे से, तो तब 3360 - 2520, ठीक, इनको घटा दीजिए तो हो जाएगा एम इंटू 3360 - 2520, इसकी कोई वैल्यू है इस पर लिख दीजिए। अब देखिए हमने आपको बताया था कि क्योंकि पावर प्लांट एक साइक्लिक प्रोसेस पर वर्क करता है, इसीलिए किसी साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो नेटवर्क होता है वही क्या होता है, नेट हीट सप्लाइड होता है, तो इन दोनों की इक्वल रख दीजिए, तो यम इंटू 3360 - 2520 इक्वल टू इसको रख दीजिए 1194 के, 1194, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो यम की वैल्यू आ जाएगी, तो इसमें जो यम की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.421, ठीक, 1.421 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.421,
देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से सवाल सॉल्व करिए, क्योंकि देखिए डाटा सारे चारों के चारों वही दिए हुए हैं, लेकिन आंसर आपका पॉइंट में इधर उधर दिया है, तो इसमें पॉइंट एक कम कर दिया, तो आप सर आपका आ गया ये 1.421 हो गया। ठीक फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ़ ए प्योर सब्सटेंस बिलो द ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर द सॉलिड ऑन बींग हीटेड विल ऑनली। अभी मैंने आपको ट्रिपल पॉइंट के बारे में बताया, तो इन्होंने कहा है कि एक प्योर सब्सटेंस है जो जिसका बिलो द ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर क्या है, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर के नीचे है, तो उसको अगर गर्म किया जाएगा तो क्या होगा। हमने बताया जब किसी का टेम्परेचर प्रेशर ट्रिपल पॉइंट के नीचे होता है तो सीधे किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीधे वेपराइज हो जाता है। क्या हो जाता है, वेपराइज और सब्लिमाइज, सब्लिमेट। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेपराइज और सब्लिमेट, सी आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन एन आइडियल गैस, इन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमने तीन स्टेटमेंट कंसीडर करने हैं। ठीक, तो इसमें पूछा है कि इसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो देखिए, इन एन आइडियल गैस देर इज़ नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, मतलब आदर्श गैस के अंदर जो अणुओं के मध्य किसी प्रकार का आकर्षण और मतलब रिपल्सन नहीं होता है, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन तो ऐसा सा नहीं है। आदर्श गैसों में भी ये माना जाता है कि अट्रैक्शन एंड रिपल्सन भी होता है। एट लो प्रेशर ऑल गैसेस एंड वेपर अप्रोचेस आइडियल गैस बिहेवियर, मतलब निम्न दाब पर जो गैसें हैं वो आइडियल गैस की तरह व्यवहार करती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि निम्न दाब और उच्च टेम्परेचर पर ये गैसें क्या है, किस तरह व्यवहार करती है, आइडियल गैस की तरह व्यवहार करती है। तो इसका ये आंसर ये सही हो जाए कथन। फिर उनका एंथैल्पी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, तो ये भी मैंने बताया था, जो आइडल गैस की एंथैल्पी होती है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होती है, और इंटरनल एनर्जी भी क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होती है। तो ये कथन भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 and 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट नॉन रिएक्टिंग गैस मिक्सचर। ठीक, इन्होंने कहा है कि ये मतलब गैस मिक्सचर के बारे में जो आपस में अभिक्रिया नहीं करेंगे उनके बारे में कुछ कथन दिया है जो सही है अथवा गलत, इस बारे में हमको डिस्कस करना है। तो इन्होंने कहा द टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज द सम ऑफ पार्शियल वैल्यू ऑफ द सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। देखिए, जो गैसों का मिक्सचर होता है, यदि उनका पार्शियल वॉल्यूम सबका बारी बारी वॉल्यूम जोड़ा जाए जो होता है वो इक्वल टोटल वॉल्यूम होता है उसी टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो पहला कथन तो सही हो गया। दूसरा कथन है, द एंट्रोपी ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैस इज सेम एज द एंट्रोपी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट। ये भी कथन सही है, अलग अलग उनकी एंट्रोपियाँ हैं, उसको अगर हम जोड़ दें तो जो आंसर आएगा वो जो सम आएगा वो फाइनल पूरे गैस की मिक्सचर की एंट्रोपी है, तो ये भी सही है। फिर उन्होंने कहा है द टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैस इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस। यदि पार्शियल प्रेशर का लॉ जानते ही हैं कि सभी गैसों के पार्शियल प्रेशर, किसी मिक्सचर में गैसों के पार्शियल प्रेशर का उसके टोटल के बराबर होता, तो ये कथन भी सही है। चौथा ले लेते हैं, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू बोथ प्रेशर एंड वॉल्यूम फ्रैक्शन। जो मोल फ्रैक्शन होता है और जो वॉल्यूम फ्रैक्शन और प्रेशर फ्रैक्शन सभी आपस में बराबर होते हैं, तो ये कथन भी सही है। तो ये चारों के चारों कथन सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1, 2, 3 and 4 हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो ये आज के लिए था प्योर सब्सटेंस से संबंधित क्वेश्चन। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसको आप जल्दी बढ़िया से पढ़ लीजिए, तैयारी कर लीजिए, इसमें से क्वेश्चन जरूर से ज़रूर आते हैं। ठीक है, इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आएंगे, तो अच्छी से आप तैयारी करते रहिए। ठीक, यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा है और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक, और लाइक करें, इसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।